नमस्कार दोस्तों, सारस्वत स्टेनो क्लासेस द्वारा आयोजित साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। यहां पर हम बात करेंगे विटामिन, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन K भी होता है, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E। दोस्तों, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि विटामिन ये सारे विटामिन हमें कहाँ कहाँ से, इनके स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से हमें ये विटामिन मिलते हैं और इन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले विटामिन ए की मैं बात करूंगा कि विटामिन ए जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है और कहां कौन कौन से स्रोत है जिनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। हम सबसे पहले विटामिन ए का केमिकल नेम जान लेते हैं। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉइल होता है। केमिकल नेम आपको सारे विटामिन के याद रखने हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है कि विटामिन ए या फिर कोई से विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, या फिर जैसे रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस जो डिसीज है वो कौन से विटामिन की कमी से होती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं शॉर्टेज कॉजिंग डिसीज की। जब विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो वो जो डिसीज होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग होता है। अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की, कहां कहां से हमें विटामिन ए जो है वो मिल सकता है। तो विटामिन ए कैरेट में पाया जाता है, मिल्क दूध में, एग अंडे में, फ्रूट्स फलों में और फिश मछली में। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। दोस्तों, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। आपको याद रखना है कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए के स्रोत की, विटामिन ए हमें कहां कहां से प्राप्त होता है। तो गाजर में विटामिन ए होता है, दूध में विटामिन ए होता है, अंडे में, फल में भी विटामिन ए होता है और मछली से भी हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। नाइट ब्लाइंडनेस में दोस्तों ये होता है कि जो रतौंधी बीमारी है इसमें हमें क्या होता है कि नॉर्मल पहले तो ये है, उसके बाद जब हमें रतौंधी रोग हो जाता है तो हमें रात को दिखना, हमारा नाइट ब्लाइंडनेस जैसे इसके नाम से पता चलता है, रात को दिखना हमारा बंद हो जाता है, हम रात को किसी भी चीज को नहीं देख पाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन बी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, विटामिन B1 भी होता है, विटामिन B2 भी होता है। तो आइए अब इनको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, थायमाइन है। ये आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी रासायनिक नाम है, जैसे इसका रासायनिक नेम थायमिन है, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी डिसीज होती है। तो हम डिस्कस करते हैं इट्स शॉर्टेज कॉज ए डिसीज की, अगर इसकी शॉर्टेज हो जाती है, अगर हमारे शरीर में विटामिन बी वन की मात्रा कम हो जाती है तो इससे जो रोग होता है वो बेरी रोग होता है। दोस्तों, ये एक स्किन इन्फेक्शन है जो कि पूरे स्किन में पाया जाता है। जैसे इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि हाथों में क्या हो गए, इन्फेक्शन हो गया है, एक संक्रमण हो गया है। ये जो बीमारी है वो क्या कहलाती है, बेरी डिसीज कहलाती है। अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की कि कहां कहां से हमें विटामिन B1 मिल सकता है। तो पीनट मतलब मूंगफली में, पटेटो मतलब आलू में और वेजिटेबल्स यानी सब्जियों में विटामिन B1 पाया जाता है। तो इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, बेरी है। तो ये आपको याद रखना है कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसका जो स्रोत है वो मूंगफली है, आलू है और सब्जी है। इन सभी वस्तुओं को अगर आप प्रॉपर अमाउंट में, सही मात्रा में खाएंगे तो आपको इन सभी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लोबिन। ये केमिकल नेम जैसे मैंने आपको हमेशा बता रहा हूं मैं कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इट्स शॉर्टेज कॉज ए डिसीज की, जब विटामिन B2 की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो क्या होता है, ड्राई स्किन, हमारी जो स्किन है, जो त्वचा है वो फटने लग जाती है। जैसे देखो ये नॉर्मल एक इंसान की त्वचा है, लेकिन जब उसके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो विटामिन B2 की कमी के कारण उसके जो शरीर में जो त्वचा है वो क्या होती है, फटना शुरू हो जाती है, उसकी त्वचा जगह जगह से फट जाती है।
और दूसरी जो डिसीज है वो है आई डिसीज, उसकी आंखों में भी इंफेक्शन लग जाता है, उसकी आंखों में भी बीमारी हो जाती है। देखो दोस्तों जैसे आंखें क्या हो चुकी है, लाल हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेस की, ये कहां कहां से विटामिन बी टू मिलता है। तो अंडे में, एग मतलब अंडे में विटामिन टू होता है, मिल्क यानी दूध में विटामिन टू होता है, और वेजिटेबल सब्जियों में भी विटामिन टू पाया जाता है। जैसा मैंने बताया इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोबिन होता है। इसकी कमी से होने वाले, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है कि हमारी जो त्वचा है वो फट जाती है और नेत्र रोग भी होता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन बी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो दूध, सब्जी और अंडा, ये विटामिन बी टू के स्रोत है। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन बी थ्री की तरफ कि विटामिन बी थ्री की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और कौन कौन सी चीजों में विटामिन बी थ्री पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम नियासिन होता है, इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन बी थ्री की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो किन चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। तो शॉर्टेज ग्रॉसिंग डिसीज कौन सी डिसीज होती है, मेंटल डिसऑर्डर, मतलब आपके आपके हो जाते हो मन बुद्धि हो जाते हो, आपके दिमाग में समझ नहीं रहती है। और दूसरा इसका जो रोग है वो व्हाइट हेयर्स, मतलब हमारे बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों के बाल सफेद होना शुरू हो गए मतलब उनकी बॉडी में क्या है, विटामिन बी थ्री की कमी है। तो विटामिन बी थ्री की कमी से क्या होते हैं, बाल जो है वो सफेद जल्दी जल्दी बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेस की कि कहां कहां कौन कौन से इसके स्रोत है जहां से विटामिन बी थ्री प्राप्त किया जा सकता है। तो मिल्क यानी दूध में, एग यानी अंडे में, टमाटो मतलब टमाटर में, और फ्लैश मतलब मांस में। इन चारों चीजों के अंदर क्या होता है, हमारा विटामिन बी थ्री जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी फाइव की कि विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, कौन कौन सी बीमारियां होती है अगर विटामिन बी फाइव की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, और कहां कहां से हमें विटामिन बी फाइव मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके केमिकल नेम की, इसके रासायनिक नाम की। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पेंटोथेनिक, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो इसका जो केमिकल नेम है वो पेंटोथेनिक, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसकी जब कमी हो जाती है तो फैटिक मतलब चक्कर आते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, और पैलेग्रम मतलब इंफेक्शन हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो इसकी कमी से क्या होता है, मासिक विकार मतलब आपको चक्कर आएंगे, पैलेग्रम हो जाएगा। इसके जो स्रोत है वो क्या है, मांस। और नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन बी सिक्स की तरफ कि विटामिन बी सिक्स का जो रासायनिक नाम है वो है पाइरोडॉक्सिन, इसका पाइरोडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है। ये आपको याद रहना है कि इसकी शॉर्टेज सी बीमारी होती है एनेमिया। एनीमिया एक डिजीज होती है जिसमें आपकी बॉडी में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी है वो बनना कम हो जाते हैं, और आपके आपकी शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं और काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखो दोस्तों इस इमेज के अंदर जो सबसे पहला जो डायग्राम है हमारा, ये फर्स्ट वाला, इसमें नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उसमें जो रेड ब्लड सेल्स मतलब रक्त, जो रक्त कोशिकाएं होती है, लाल रुधिर कोशिकाएं होती है, उनका लेवल बताया गया है। लेकिन जब हमें एनीमिया बीमारी हो जाती है किसी पर्सन को, तो उसमें क्या होती है, जो लाल रुधिर कोशिकाएं ये बनना कम हो जाती है। तो देखो पहले कितनी ज्यादा कोशिकाएं थी हमारे रुधिर में, रक्त में, और अब हमारे ब्लड में कितने कम सेल्स रह गए। तो एनीमिया डिसीज किसको इफेक्ट करती है, ब्लड को इफेक्ट करती है। तो ये जो डिसीज है वो विटामिन बी सिक्स की कमी से हो जाती है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इसके स्रोत की, इसके सोर्सेस की। तो मिल्क यानी दूध, फ्लैश मतलब मांस, और वेजिटेबल मतलब सब्जियां, इन सभी चीजों के अंदर, मांस दूध और सब्जियां, इन तीनों चीजों के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन बी सिक्स पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी सेवन की कि विटामिन बी सेवन का रासायनिक नेम क्या है, कौन सी डिसीज में हो जाती है, और इनके सोर्सेस क्या क्या है। तो विटामिन बी सेवन का जो केमिकल नेम है वो है बायोटिन, इसका जो केमिकल नेम है वो बायोटिन है, रासायनिक नाम इसका बायोटिन है। और इसके शॉर्ट इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, पैरालिसिस होते हैं, मतलब पैरालिसिस मतलब लकवा आ जाता है आपकी बॉडी के अंदर, जिसमें आपका या तो बॉडी की एक साइड मतलब पूरी लेफ्ट हैंड साइड, या फिर राइट हैंड साइड मतलब पूरा जो दायां हिस्सा है या फिर बायां हिस्सा है वो लकवा ग्रस्त हो जाता है। लकवा मतलब क्या होता है कि वो शरीर का जो हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है, उस हिस्से से आप कोई भी काम
नहीं कर पाते। जैसे इस इमेज में बात करते हैं, ये एक नॉर्मल पर्सन है जिसे कोई भी डिजीज नहीं है, लेकिन आप देखिए इसके जो क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड में पैरालिसिस हो गया है। तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, आधा पोर्शन, वो क्या है, लकवाग्रस्त है। तो ये वाले इस वाले पोर्शन में आप फर्क देखिए दोस्तों, इस ये वाला जो पोर्शन है वो लकवाग्रस्त होने के कारण क्या है, काम नहीं कर पाता, व्यक्ति हिलचुल नहीं पाता है। तो विटामिन B7 कहां से प्राप्त कर सकता है, एग यानी अंडे से या मिल्क यानी दूध से, इन दोनों चीजों से आप विटामिन B7 को प्राप्त कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि लकवा जो बीमारी है, पैरालिसिस जो डिजीज है, वो कौन से विटामिन की कमी से होता है। और इसके स्रोत की मैं बात करूं तो अंडे से और दूध से हमें क्या मिलता है, विटामिन B7 मिलता है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है वो है हमारा विटामिन B12 की। B12 जो है वो कौन सी डिजीज से, कौन से सोर्स से मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम की। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालमिन। ये आपको याद रखना है कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालमिन होता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन बी की कमी से मतलब इसकी शॉर्टेज से होने वाली जो डिसीज है वो एनीमिया है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं एनीमिया डिसीज के बारे में कि इसकी, जैसे एक नॉर्मल पर्सन है तो उसके अंदर जो लाल रुधिर की कोशिकाएं हैं, जो रेड ब्लड सेल्स है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जितना जरूरी होता है। और अब जब किसी व्यक्ति को एनीमिया डिसीज हो जाती है तो उसके शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स है, जो RBC है, उनकी जो क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है एज कम्पेयर टू, ये हम ये बात करें और इस कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन की बात करें और सेकंड कंडीशन की बात करें तो काफी डिफरेंस है। तो एनीमिया डिसीज में क्या होता है, लाल रुधिर कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं। अब विटामिन B12 हमें कहां से मिल सकता है, तो इसका सोर्सेज है फ्लैश मतलब मांस और मिल्क मतलब दूध, मांस और दूध से हमें विटामिन B12 प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी की, कि विटामिन सी हमें कहां कहां से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन सी के केमिकल नेम की। तो इसका जो केमिकल नेम है, इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो कौन से विटामिन का केमिकल नेम होता है। अब हम बात करते हैं शॉर्टेज की, कि जब विटामिन सी की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है तो उससे होने वाला रोग कौन सा होता है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी कहलाता है। ये आपको याद रखना है, जैसे स्कर्वी है, बेरी बेरी है, नाइट ब्लाइंडनेस, अतोंदी, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीज जो है इनके आपको विटामिन से याद रखने हैं कि कौन कौन किस किस की कौन से विटामिन की कमी से ये सारी जो बीमारियां हैं, ये सारे जो रोग है वो हो जाते हैं। दोस्तों स्कर्वी बीमारी में क्या होता है कि त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसका जो मेन है कि ये आपके जो ये जो जबड़े होते हैं, ये जो आपके गम्स होते हैं, इसमें क्या हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इसमें आपके जो दांतों के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर खून आना शुरू हो जाता है। तो हमें विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए जो हमारे पास कौन कौन से स्रोत है, तो गूसबेरी मतलब आंवला खाना चाहिए विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए, लेमन मतलब नींबू और ऑरेंज मतलब संतरा, ये जो तीनों चीजें हैं, जो ये तीनों चीजें अगर आप इन चीजों को सही मात्रा में खाएंगे तो आपके शरीर में विटामिन सी की कभी कमी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी की, विटामिन जो डी है वो किन किन चीजों से मिलता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की हम बात कर लेते हैं, इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरॉल है। जैसे मैंने आपको बताया इसका केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कमी से होने वाले रोग की, तो इसकी कमी से जो रोग होता है, इसकी शॉर्टेज जो डिसीज होती है वो क्या कहलाती है, रिकेट्स डिसीज कहलाती है। जो ये रिकेट्स डिसीज है वो पाँव को इफेक्ट करती है, कि जो आपके जो पाँव है उनकी शेप सही नहीं रहती है, इसका बैलेंस बिगड़ा हुआ रहता है। ये एक नॉर्मल पर्सन के प्लैग है, जो बिल्कुल जिसके जो पाँव है वो बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन जिस पर्सन को रिकेट्स हो जाता है उनके पाँव की जो बनावट है वो बिगड़ जाती है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स डिसीज होती है। अब इसके सोर्सेज की बात करते हैं, कि इसका जो सोर्सेज है वो सनलाइट है, मिल्क है और एग है। ये इंपॉर्टेंट है कि सूर्य का प्रकाश है वो कौन से विटामिन की पूर्ति को पूरी करता है। तो सूर्य के प्रकाश मतलब सनलाइट से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है।
जैसे मैंने आपको बताया कि जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, उससे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सनलाइट से आपको याद रखना है कि विटामिन डी जो ऑब्टेन होता है, मिलता है, वो हमें किससे मिलता है, सनलाइट से मिलता है और दूध और अंडे से भी मिलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन ई की तरफ। यहाँ हम जानेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, कि कौन कौन से स्रोत है जिससे विटामिन ई हमें प्राप्त होता है और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टैकोफेरॉल। टैकोफेरॉल इसका क्या है, केमिकल नेम है टैकोफेरॉल। और इसकी शॉर्टेज से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारा, मेल्स का फीमेल्स का, उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और इसके सोर्सेस क्या है, वेजिटेबल्स, सब्जियों से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तों की सब्जियों से, डेयरी प्रोडक्ट में दूध के उत्पाद है, जैसे दूध हो गया, दही, छाछ, घी, ये सारी चीजें सोर्स है किसके, विटामिन ई के। और मीट में भी क्या है, विटामिन ई पाया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ, इसका रासायनिक नाम टैकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है, मतलब जब विटामिन ई किसी पर्सन में कम होता है तो उसकी जनन शक्ति कम रहती है। अब हम बात करते हैं इसके स्रोत की, कि कहाँ, हरी सब्जियों से मिलता है हमें विटामिन ई, दुग्ध उत्पाद जैसे मैंने आपको बताया, दूध, छाछ, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, और मांस, मीट, इन सबसे हमें क्या मिलता है, विटामिन ई प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो है हमारा विटामिन के। विटामिन के बारे में भी जानेंगे कि विटामिन के की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके केमिकल नेम की, रासायनिक नाम की। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो फ्लोक्विनोन होता है। दोस्तों फ्लोक्विनोन इसका ये केमिकल नेम है। अब इसकी बात करते हैं शॉर्टेज की। तो विटामिन के की कमी से डिसीज होती है जिसमें फेलियर टू क्लॉट ब्लड, मतलब रक्का थक्का नहीं जमता है। जैसे मान लो कि हमारे शरीर में कहीं चोट लग गई, वो चोट जैसे हमारे शरीर में चोट लगती है तो वहां से क्या होता है, खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़े समय देखते हैं वो खून जम जाता है। तो दोस्तों वो खून का थक्का जमने को, खून को रुकने को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। और जो ब्लड क्लॉटिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में रक्का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो हमारे शरीर में जितना भी खून है, जितना भी ब्लड है, वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। उसके बिना फिर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड जो है वो प्रवाहित होता है, फ्लो होता है। ब्लड के फ्लो होने के कारण ही हमारा जो बॉडी है, हमारे जो शरीर है, वो काफी गतिविधियां, काफी एक्टिविटीज करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ब्लड की विशेषता ये होती है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है ताकि पूरे शरीर से जितना भी खून है वो बाहर नहीं निकले। लेकिन ये आपको याद रखना है कि जब विटामिन के की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे जो खून, रक्त का जो थक्का है वो जमना बंद हो जाता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त के थक्के नहीं जमने के कारण हमारे शरीर से जो पूरा रक्त है वो बाहर निकल सकता है। इसी वजह से आप विटामिन के की कमी अपने शरीर में नहीं होने दें। अगर विटामिन के की कमी आपके शरीर में होगी तो आपके शरीर में रक्त का थक्का मतलब ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा और इससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो विटामिन के किन किन चीजों में पाया जाता है, टमाटो मतलब टमाटर में, ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब हरी सब्जियों में और दूध में, इन सब चीजों में विटामिन के पाया जाता है। तो इसकी जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन के की कमी से जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा विटामिन की कमी से होने वाले रोगों का जो ये वीडियो है कि यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें ताकि जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको ये जानकारियां जो है वो मिल सके आसानी से। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे संस्थान सारस्वत स्टेनो क्लासेस की। तो दोस्तों हमारा जो संस्थान है सारस्वत स्टेनो क्लासेस, वो एक ऐसा संस्थान है जो स्टेनोग्राफी को आसान तरीके से और सबसे कम समय में एनिमेटेड क्लास, डिजिटल क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस के द्वारा सिखाने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान है। और जो यह संस्थान है वो हमारे शहर, आपके शहर जयपुर में है ये संस्थान। तो इस संस्थान के द्वारा स्टेनो जो है शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है। तो जो हमारा जो ये भर्ती है RSMSSB स्टेनोग्राफर की, तो जिन लोगों ने अभी तक स्टेनो नहीं सीखी है या फिर जो लोग इच्छुक है स्टेनो सीखने के, ये जो शॉर्ट हैंड मेथड है इसको सीखने के, तो आप सभी आकर हमारे संस्थान से जुड़े और इस हमारे यहाँ पर एडमिशन्स भी ओपन है आपके लिए। और स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं जो SSC की भर्ती निकली है स्टेनोग्राफर 2018 की।
तो जो लोग स्टेनो सीख रहे हैं या फिर जो जिन लोगों को स्टेनो संबंधित किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सभी लोग हमारे संस्थान से जुड़े और हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।